अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईसी नेटवर्क के वाले से कि आईसी नेटवर्क में हमने जो है यहाँ पर वैलिड एड्रेस देना था, तो इसमें हम जो है थीरियम का जो है वो वैलिड एड्रेस देना था, जो थीरियम की ब्लॉक चेन है उसका एड्रेस देना था। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, इस तरह से आया कि हम इसको ओपन करते हैं थीरियम एड्रेस। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने लिखा है ओके एक्स वैलिड। तो पहली बात तो आपको बता दूं कि ये जो है ओके एक्स पर लिस्ट होने जा रहा है, ओके एक्स पर लाजमी से जो है ये लिस्ट होगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप जो है ओके एक्स की, जिन लोगों ने तो वाइव का अकाउंट बनाया था या उसमें कॉइन क्लेम किए थे, उन लोगों के पास तो ऑलरेडी इसका अकाउंट है, उनको तो जरूरत नहीं अकाउंट बनाने की। तो बाकी जिन लोगों का नहीं है अकाउंट, वो लाजमी से जो है इसमें अकाउंट बना लें, तो उन सबके लिए ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा, ये तो एक चीज आ गई। अब हम आ जाते हैं कि अगर आप देखते हैं इसके ट्विटर हैंडल पे, तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि ये ओके एक्स पर ही लाजमी से जो है वो लिस्ट होगा। ये देखें, इन्होंने यहाँ पर भी जो है वो ओके एक्स और आइस जो है इनके आपस में पार्टनरशिप हुई है, तो इससे साफ साफ होता है जब हम वैलिड एड्रेस ही ओके एक्स का दे रहे हैं तो जाहिर बात है ओके एक्स पर ये लिस्ट होगा। तो बाकी ये है कि हमने इससे पहले जो है, इससे पहले हमने किवी ब्राउजर से मेटाबास की एक्सटेंशन जो इंस्टॉल की थी उसमें से जो है थीरियम का एड्रेस दिया था। उसमें से जिन लोगों ने दिया है वो भी जो ऑप्शन है उनके पास है कि वो डायरेक्ट जो है वो ओके एक्स का ही इसमें एड्रेस दे दें। तो ओके एक्स का एड्रेस देने के लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जो है अपना ओके एक्स वैलेट जो है उसको ओपन करना है। तो इसमें आपको फायदा ये होगा कि ओके एक्स वैलेट में आपको डायरेक्टली जो है वो कॉइन आ जाएंगे, वो बाद में जो है आपको क्लेम करने में प्रॉब्लम पेश आ सकती है, या उसमें ये हो सकता है कि उसमें गैस फीस के तौर पर काफ़ी जो है आपका जो है वो डॉलर जो है लग सकते हैं। तो थीरियम की फीस भी काफ़ी लगती है, इसलिए जो है आप कोशिश करें कि ओके एक्स का, एक तो इसमें यह है कि आप ज़्यादा जो है वो परेशानी से बचा सकता, तो ओके एक्स से एक्सचेंज में ही आपके जो है वो कॉइन आ जाएंगे, जो उसको आप जो है आसानी से कन्वर्ट कर सकेंगे, सेल कर सकेंगे, जिस तरह से सेम जो है आपने वाइव में किया था। अच्छा, इसमें आपने करना क्या है, आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एक एक्सचेंज एक वैलेट। वैलेट वाले को ओपन कर लेना है, आपका वैलेट ऑलरेडी बना होगा जिन लोगों ने वाइव क्लेम किया है। तो उसके बाद आपने रिसीव पर क्लिक करना है, रिसीव बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे कॉइन आ जाएंगे। तो कोई भी है ना क्लेम, अच्छा ये देखें यहाँ पर आ गया एथेरियम, एथेरियम पर आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो एड्रेस आ जाएगी। देखिए एड्रेस आ गया, तो आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद जो है आप सिंपली अपनी आइस ऐप में आएंगे, यहाँ से आप इसको इस पर टच करेंगे तो ये देखें ये एडिट हो रहा है। तो यहाँ से आप इसको रिमूव करके तो अपना जो है वो एड्रेस लगा लेंगे, लगाने के बाद आप कंफर्म एड्रेस पर क्लिक कर देंगे और जो है आपका ये कंफर्म हो जाएगा, ये आपका एड्रेस न्यू जो है वो ऐड हो जाएगा, ये चीज़ होगी। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ना पहले आप देख रहे थे कि स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी, तो और कॉइन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे, कॉइन आपके पहले से काफ़ी कम भी हुए हैं। उसमें हुआ ये था कि इनकी कोई ना सिस्टम में एरर आ रहा था, जिस वजह से जो है वो स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज थी। तो अब उन्होंने सेट किया है तो सबके कॉइन जो है वो रियल में सेट हो गया, इसका नुकसान कोई भी नहीं है। या अगर ज़्यादा कॉइन होते तो उसमें ये था कि आपको जो इसकी लिस्टिंग पर प्राइस थी वो कम मिलने थे, अब जैसे कॉइन कम है तो वो प्राइस ज़्यादा मिलेगी, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपको, ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी इन्होंने हार्वेंग भी रखी हुई है कि हर मंथ जो है ये इसकी हार्वेंग कर रहे हैं, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। हार्वेंग से होता ये है जिस तरह पाई की स्पीड जो है वो कम हो रही है, तो उसके अलावा आप देख रहे हैं जिस तरह बिटकॉइन की 4 साल बाद हालविंग होती है, हालविंग में ये होता है कि हाफ हाफ जो है आपकी स्पीड हो जाती है, आपको कॉइन मिलने की स्पीड जो है वो आधी हो जाती है। तो ये चीज़ थी जो ये लाजमी से आप लोग कर लें, तो क्योंकि इससे फ़ायदा आपको बता दिया मैंने सारी बात। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी के साथ अपने दोस्त चाहत को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।